और जो मुझको भजता है उसको मैं भी भजता हूँ। तभी से मैंने संकल्प लेकर के अपने चरणों में कभी पादुका धारण नहीं किया, और पृथ्वी माँ का जो रज है उसको अपने ही कोमल चरणों में और माँ को प्रणाम करता रहा जी, कि ये धरती माँ है, और मैं मट्टी भी खाता रहा जी। लोगों ने उस दृश्य को देखा, तो उस दृश्य को देखते हुए लोगों को लग गया कि यह तो पागल है जी। पाम इस परमात्मा गल्फ में गल जाना, जो परमात्मा में गल जाता वह पूरे तरीके से पागल हो जाता है। इसलिए मैंने इस मानव वस्त्र को ठगने के लिए सिला सिलाया वस्त्र को त्याग करके और ऐसे त्यागी ब्रह्मगाथी मैंने बांधना चालू कर दिया, और कभी भी सिला सिलाया वस्त्र मैंने धारण नहीं किया। दोस्तों, वृंदावन प्रेम और भक्ति की नगरी है, तो अयोध्या नगरी त्याग और तपस्या की है। एक से बढ़कर एक त्यागी और तपस्वी महान संत अयोध्या नगरी में, राम नगरी में आपको दर्शन हो जाएंगे। आइए, एक ऐसे ही पूज्य संत महाराज जी का दर्शन कराने जा रहा हूं, जिनका पूरा का पूरा जीवन त्याग और तपस्या के लिए समर्पित है। जीवन भर उन्होंने संकल्प लिया है कि कभी पदवेश नहीं पहनेंगे, पांव में कुछ पहनेंगे नहीं, सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनेंगे, और जैसे संत का भाव रहता है उसी तरह से संत का भाव पूज्य महाराज जी का है। पहले महाराज जी की कुटिया का दर्शन कराएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जहां पर आज बहुत आलीशान कुटिया आपको महल देखने को मिलेगी, वहीं पर महाराज जी की साधारण तरीके की कुटिया का दर्शन आप सबको कराते हैं। आप सब देखिए कि पूज्य महाराज जी की ये कुटिया है, छोटा सा दरवाजा है, और यहीं पर पूज्य महाराज जी का के ठाकुर जी का यहाँ पर निवास है। आप देखिए, यहाँ पर ठाकुर जी का आपको भव्य दर्शन हो जाएगा, भावपूर्ण दर्शन हो जाएगा। साथ ही यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद, माँ अम्बे का, माँ दुर्गा का दर्शन करने के बाद, भगवान भोलेनाथ हनुमान जी विराजमान है, उनका दर्शन करिए। आप कुटिया की व्यवस्था देख सकते हैं, कुटिया में देखिए छोटा सा कुछ चूल्हा है और छोटे से रसोई की व्यवस्था है, छोटा मोटा बस यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है। महाराज जी का कहना है कि जो भी भक्तगण आता है उनकी कोशिश होती है कि सभी को प्रसाद ग्रहण कराएं, सभी को प्रसाद जरूर पवाएं। तो पूज्य महाराज जी की ये साधारण सी छोटी सी कुटिया है और इसी कुटिया में रहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पूज्य संत महाराज जी का त्याग, हमारे पूज्य संत महाराज जी का समर्पण, जो बस सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की सेवा में और भक्तों की सेवा में समर्पित रहते हैं। पूज्य महाराज जी का कहना है कि कोई भी भक्त अगर उनके आश्रम में, कुटिया में आता है, प्रसाद ग्रहण के करके जाता है, तो उनको बहुत आनंद का भाव महसूस होता है। राम जी ने भी हमारे संतों की सेवा की थी। आइए, एक ऐसे ही संत का हम दर्शन करते हैं, हरी चर्चा करते हैं, और कैसे पूज्य महाराज जी ने संत जीवन को धारण किया, उस सब के बारे में चर्चा करते हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। महाराज जी अपना नाम और स्थान बताएं, जिससे हमारे सभी भक्तों को। देखिए, अखिल भारतीय श्री पंचतेरा भाई त्यागी अयोध्या में पड़ता है जी। हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत भजन बहुत एकदम तेज था, तो उनसे मैं घर से आकर के मंत्र ले लिया और साधु में बन गया जी। मेरा नाम है विष्णु दास जी। जी, और एक भक्ति आ गया जो एक जगह स्थायी नहीं रुकता हूँ और भ्रमण में लगा रहता हूँ। ये छोटी सी कुटिया है जिसमें गुरु की कृपा, परमात्मा की कृपा से भजन करने को मिला है और जीवन व्यतीत अवध में कर रहे हैं जी। महाराज जी, बचपन में बालपन होता है, सभी बच्चे जैसे होते हैं उसी तरह का बचपन सभी का रहता है, तो कैसे बचपन में धीरे धीरे जो है संत की ओर आए और फिर जो है पूरा जीवन जो है भक्ति मार्ग के लिए समर्पित कर। देखिए, पूर्व जन्म के होते हैं संस्कार जी। ओम में 8 वर्ष की उम्र में भगवान का परम भक्त था, वो अपने हनुमान जी का, हनुमान जी की जहाँ मूर्ति देखता था वहाँ हनुमान जी की मूर्ति को निहारने लगता था, हनुमान जी के निकट रह करके हनुमान चालीसा का पाठ का स्मरण और उन्हीं में लीन रहता था। तो घर वाले भी कहने लगे कि ये तो अब संत बन जाएगा। उसके बाद मैं भागते भागते मेरे मन में प्रेरणा हुआ, रघुनाथ ने कृपा किया और मैं अवध धाम पहुंच गया। अवध धाम में आने के बाद मैं सरयू में स्नान किया और भूख बहुत तेज लगी थी जी। एक मंदिर में गया, भोजन किया, एक संत जी मिले, महापुरुष। उन्होंने कहा कि तुम साधु बनोगे? हमने कहा हाँ, मैं साधु बनूंगा। साधु बनने के बाद जीवन अब रघुनाथ को सौंप दिया। अरे, अब कोई संसार की वस्तु, संसार के मोह माया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो संसार
वो जो मानता है अपना, उसको दुख के अलावा सुख कभी जीवन में नहीं मिल सकता है। क्योंकि मानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, उमा कहो में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत में जो भी दिखाई देता है वह एक सपना है और सत नहीं है। इसीलिए जब हमारे हिंदू धर्म में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको कहते राम राम सत्य है, सत बोलो मुक्त है। तो यही अर्थ होता है कि मेरे प्रभु सत्य थे और जो व्यक्ति संसार में जीवन व्यतीत करके गया वह मुक्त प्राप्त हो गया। जी, तो ये कहने का मतलब जी, कब संकल्प ले लिया कि पांव में पदवेश नहीं पहनेंगे, और संत जैसे बहुत सारे हैं वो सिले हुए वस्त्र तो नहीं पहनते, लेकिन पदवेश का कैसे आपने निर्णय लिया कि अब नंगे पांव ही महाराज जी का? और मैं देख भी रहा हूँ आपकी कई जगह पर एड़िया भी जो है वो है, और पांव भी जो है आपका वो होता जा रहा, कई बार काटे पत्थर कील लगते होंगे, लेकिन अनवरत आपका चलना होता। हमारे जीवन में एक घटना घटित हुई थी जी, जो आप को हम सच्चाई भगवान की कृपा से प्रकट कर रहे हैं। 2013 की 14 में एक आध्यात्मिक घटना प्रवेश हुआ जी। वह बालक में ही था। अच्छा। और गांव-गांव में भ्रमण करने लगा। अरे वाह। और परमात्मा में ऐसी लीन हो गया कि मैं अपने आप को स्वयं ब्रह्म कहने लगा। अरे। कि मैं श्री राम हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाऊंगा जय सिया राम। और थोड़ा थोड़ा मैं भोजन करने लगता था, पीपल पत्ती खाने लगता था, कहाँ सोना है कहाँ रहना है कोई नहीं, जहाँ मिलता था वहीं सो जाता था और निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करता था जी। तो ये 15-20 दिन तक हुआ लगातार लगातार ऐसी हवा, हनुमान जी की कृपा से भक्ति में प्रवेश हो गया। तो आंधी हवा बादल एकदम बारिश होने लगी, कभी धूप होने लगता था, तो हमको ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि ये हनुमान जी की शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है, और प्रकाश के जैसे हमको अनुभव हुआ। आज मैं एक सत्य ये प्रकट कर रहा हूं, इसमें कोई भी बनावटी शब्द नहीं है। तब से मैंने एक संकल्प लिया कि अब मैं जब प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दिए कि प्रभु ने जन्मा दिया कि मैं हूं दुनिया में जी, और जो मुझको भजता है उसको मैं भी भजता हूँ, तभी से मैंने संकल्प लेकर के अपने चरणों में कभी पादुका धारण नहीं किया, और पृथ्वी माँ का जो रज है उसको अपने ही कोमल चरणों में और माँ को प्रणाम करता रहा जी, कि ये धरती माँ है, और मैं मट्टी भी खाता रहा जी। लोगों ने उस दृश्य को देखा, उस दृश्य को देखते हुए लोगों को लग गया कि यह तो पागल है, पाम इस परमात्मा गल्फ में गल जाना, जो परमात्मा में गल जाता वह पूरे तरीके से पागल हो जाता है। उसके बाद मेरे मन में यह प्रेरणा आया कि ये शरीर भी एक मानव वस्त्र है जी, तो इस वस्त्र में धारण करने से क्या फायदा, मतलब जो सिला सिलाया हो जी। तो इसीलिए जब ये कुदरती वस्त्र है तो अब समाज में रहना है तो थोड़ा मर्यादा करना होगा, इसीलिए मैंने इस मानव वस्त्र को ठगने के लिए सिला सिलाया वस्त्र को त्याग करके और ऐसे त्यागी ब्रह्मगाथी मैंने बांधना चालू कर दिया, और कभी भी सिला सिलाया वस्त्र मैंने धारण नहीं किया, और आज भी हमेशा मैं परमात्मा का चिंतन करता रहता हूँ। चार प्रकार के भजन होते हैं जी। पहला भजन चलते उठते बैठते प्रभु का चिंतन करना जी। दूसरा भजन प्रभु का चर्चा करना, तीसरा भजन प्रभु का नाम लेना, चौथा भजन प्रभु को जहाँ जगत में प्रभु को देखो, प्रभु समझ के जगत को निहारो कि ये प्रभु ने मेरे ये जगत कितना सुंदर बनाए हैं। तो जब जगत इतना सुंदर है तो जिस दिन मैं अपने कांधा का और जिस दिन मैं अपने राम लला का रूप देख लूंगा उस दिन तो जीवन धन हो जाएगा। आपको मानसकार जब हनुमान जी महाराज श्री राम को पहचानते हैं, प्रभु पहचानी परो गही चरना, ओसो सुख उमा जाई नहीं बरना। प्रभु को जिसने जान लिया उसके मुख से शब्द नहीं निकलता है, मगर आज हनुमान जी महाराज प्रकट कर रहे हैं जी। इसीलिए मैं आज वो शब्द हनुमान जी की कृपा से प्रकट हो कर रहा हूँ। एक एक सच्चाई जब मैं हनुमान चालीसा सुनता था तो मैं दौड़ते दौड़ते जहां हनुमान चालीसा सुनता था वहां पहुंच जाता था। जहां रामायण की पाठ हो रामायण का पाठ होता था वहां हमको लगता था ये मेरी कहानी, ऐसा महसूस होने लगता था, ऐसे जो शब्द थे। और भक्ति में मैं इस प्रकार प्रवेश हो गया कि जितना भी मैं अपने बारे में अगर कहूं अपने मुख से तो वह बहुत
कब है मैं कह ही नहीं सकता हूँ, ये हनुमान जी स्वयं जानते हैं कि मैं क्या कहूँ, मुझे स्वयं नहीं मालूम है। मत जितना मालूम था उतना मैं आपको विस्तार से बताने की कृपा करता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मैं अयोध्या से सीधे चित्रकूट की तरफ गया जी। और चित्रकूट में कामतानाथ पर्वत के पास गया। वहां जब महाबाल्मीकि जी पूछते हैं राम जी से जी, राम जी पूछते हैं जी कि मैं कहाँ रहूं मुनिवर, तब उन्होंने कहा हरि व्यापक सर्वस समाना प्रेम ते हुई प्रगट में जाना। आप तो सब जगह रहने वाले हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है पूछ रहे तो बता रहा हूँ, चित्रकूट के पर्वत में निवास कीजिए। तो वहीं पे मैं, जो भगवान राम लाला ने निवास किया वहीं पे मैं जा करके बैठ गया, और बैठते हुए हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया। हनुमान चालीसा पाठ करने से भक्ति प्रवेश होती है, ये मैं वास्तव में गारंटी से कहता हूँ, और आज भी ये भी आपके माध्यम से मैं पूरा सत्य बोल रहा हूँ कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ सच्चे मन से करेगा उसके जीवन में इतनी भक्ति आ जाएगी कि संसार से विरक्त हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ, विरक्त किसको कहते हैं, विरक्त उसको कहते हैं जो वास्तव में सीधा संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, चाहे वह गृहस्थ में हो चाहे वह साधु प्रवेश में हो जी। यही प्रश्न मैं करने वाला था कि सब विरक्त हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा, तो उसी को जो आप स्पष्ट कर रहे हैं कि गृहस्थ हो या फिर देखिए विरक्त उसको ही कहा जाता है जो परमात्मा से संपर्क हो जाए। जैसे जर भरत थे, तुलसीदास जी थे, मीरा थी, सबरी थी, वह गृहस्थी थे, वो परमात्मा को प्राप्त कर लिए। ऐसा कोई संत नहीं हुआ जो ईश्वर को प्राप्त कर लिया हो, सब गृहस्थी है, तो उनको गृहस्थी नहीं कहा जाएगा, उनको भक्त की श्रेणी में जोड़ा जाएगा, वो महापुरुषों की श्रेणी में जोड़ा जाएगा। आज मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, मगर आज हनुमान जी प्रकट कर रहे हैं, ध्रुव और प्रहलाद से मैं अधिक अपने आप को समझता हूँ। अच्छा। क्यों, आज सच्चाई बताता हूँ। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में तप करने लगे, मगर मैंने तप नहीं किया, मैं एक केवल परमात्मा लीला करा रहे थे वो 10-20 दिन तक, और गांव-गांव में भ्रमण किया, मैं अपने आप को राम कहने लगा जी। तो 10-20 दिन में मैंने वो परमात्मा का अनुभव कर लिया जी। तो मैं ध्रुव से तो श्रेष्ठ हूँ ही, क्योंकि ध्रुव जी तपस्या करते थे, मैंने तपस्या नहीं किया, कुछ नहीं किया, और प्रभु ने ऐसी कृपा किया कि मैं परमात्मा का। तो इस तरह अगर सांसारिक जीवन में लोगों को सुनना होगा तो लोग कहेंगे कि ये महाराज जी में अहंकार आ गया, अहम आ गया, स्वयं को ध्रुव बोल रहे हैं, स्वयं को प्रहलाद कह रहे हैं, स्वयं राम बोल रहे हैं। इसको मैं उत्तर दे रहा हूँ। देखिए परमात्मा के ही माध्यम से सारे शब्द आप ही आप निकल जाते हैं, तो जो परमात्मा ही शब्द निकालता है तो उसमें अहंकार कहा, और लिखा हुआ है कि जो परमात्मा के अनुभव को जान गया वह अगर परमात्मा के द्वारा शब्द निकल रहे हैं तो उसमें अहंकार नहीं है। अगर सत्य हम नहीं बताएंगे तो समाज में कैसे ज्ञान होगा कि परमात्मा आज भी है, परमात्मा का नाम लेने से भक्ति होता है। और मैं क्या कहूं, गा के सुना देता हूं वो छंद जो मेरे जीवन में हुआ था जी, सुना दूं जी। जी जरूर। एक बालक की मैं कथा सुनाता हूँ, अपने आप को सिया राम कहने लगा, गांव गांव में भ्रमण किया, कहने लगा मैं श्री राम हूँ, निरंतर हनुमत चालीसा का स्मरण करने लगा, भक्ति इतनी प्रवेश हो गया, वो स्वयं इतना विचित्र हो गया, बहुत कोशिश किया उसको जानने के लिए, मगर मैं समझ नहीं पाया वो बालक किस ढंग का है, अपने आप को राम राम कहने लगे। एक गांव में गया, वहां पे पीपल पत्ते खाने लगा, लोगों ने पूछा कौन हो तुम, कहां से आए हो, उन्होंने कहा मैं श्री राम हूँ। कुछ लोग अपमान करते थे, कुछ लोग कहते थे आइए प्रभु श्री राम भोग लगाइए, और ऐसे करते करते इतनी भक्ति हो गई कि वो भक्ति में ही अपने आप को ब्रह्म समझने लगे, और समझने के बाद वह संन्यास मार्ग में आ गए जी। अरे वाह, तो ये आप ही, ये हमारी जीवन चरित्र है जी। तो संन्यास मार्ग का रास्ता इसी तरह से आपका होकर निकला। दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूँ, संन्यास क्या है, अगर परमात्मा को प्राप्त करना हो तो क्या साधन है जी, इस विषय में बताना चाहता हूँ जी। परमात्मा तभी प्राप्त होंगे जब आप आत्मा से प्रेम करेंगे जी। बहुत ऐसे संत हैं जो वाणी के द्वारा श्लोक मंत्र और परमात्मा नाम लेते हैं, मगर तोते की जैसे रटने से कुछ फायदा नहीं है। जैसे एक माँ
अपने बच्चों से प्रेम करती है और एक बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है, उसी प्रकार जब ईश्वर और जीव में प्रेम होने लगता है तब। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जिह्वा को ही राम नाम बना लिया हूं। आपसे बात तो कर रहा हूं, वह अंदर से राम नाम निकल रहा है। जय हो। ये आज सत कह रहा हूं, उसमें कोई अहंकार नहीं है। और देखिए, भक्त भगवान का रूप होता है, चेहरे की आभा देती है, बता कि क्या अनुभव हुआ है उसके जीवन में और क्या अनुभव नहीं हुआ है। उसके चाल ढंग, उसकी बोल बाणी एकदम विचित्र ढंग से होने लगता है, तो उसका हर व्यक्ति जान जाता है कि हाँ, कुछ तो कुछ अनुभव उसको अवश्य हुआ है परमात्मा का। जी। तो परमात्मा सत्य है, इसीलिए सभी लोगों से कहना है कि संस्कृति सनातन धर्म वो है कि उसमें प्रवेश होने के बाद अगर कोई भी परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो एक ही उपाय है। अगर वह गृहस्थी में है तो उसके लिए भी एक उपाय है जी। भोजन पानी करके रात्रि का जब समय हो तो एकांत में वो बैठ जाए, और बैठने के बाद नेत्र को बंद कर ले, और नेत्र को बंद करने के बाद जो प्रभु की मूर्ति को देखे, किसी भी छवि को, तो उसको मन में निहारता रहे कि मेरे प्रभु ऐसे थे, मेरे प्रभु ऐसे थे। उसके बाद वह चिंतन करे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं। ऐसे दो चार दिन चिंतन करते करते बैराग उत्पन्न होगा। जब बैराग उत्पन्न होगा तब वो एकांत जगह का रास्ता खोजेगा कि मुझे एकांत जगह मिल जाए, और जब वह एकांत जगह आ जाएगा तब एक हट आ जाएगा, और हट से वो इतना संकल्प कर लेगा कि जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे तब तक मैं इस जगह से जाऊंगा नहीं, चाहे लघु शंका हो, चाहे डोल डाल हो, चाहे जो हो, मैं कुछ नहीं। ये हट आ जाता है जी। जैसे बालक चाहता मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, वही ध्रुव को भी हटा गया जी। कैसे? ध्रुव जब गए तो नारद जी मिल गए। नारद जी कहने लगे ध्रुव से, अभी तुम छोटे बालक हो, जाओ माता पिता की सेवा करो। बोले नहीं, मुझे विष्णु का दर्शन करना है। तब हाथ को पकड़े और नारद जी ले गए जंगलों में, और कहने लगे देखो बड़े बड़े संत और महापुरुष उल्टे सिर को धारण करके इतनी ताप तपस्या कर रहे हैं, उनको भी नहीं मिला, हजार हवा तुमको कैसे। बोले नहीं, मुझे करना है चाहे जो हो। तब उन्होंने जब निष्ठावान समझा और विश्वास समझे, तब उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र दिए, और जैसे मंत्र मिला वैसे नेत्र को बंद करके वो उसी जंगल में चले गए जहां नारद जी चले गए थे। और उसी जंगल में जा करके नेत्र को बंद करके घूम रहे रहा और नमो ओम नमो भगवते वासुदेव कर रहे हैं, कड़कड़ में पत्थरों में उस समय परमात्मा नजर आ रहे। तो जब वो भाव आ जाएगा तो परमात्मा को नजर आ जाए। मुझे लगता है कि महाराज जी आपसे हरी चर्चा करते जाएं तो कई दिन महीने बीत जाएंगे, साल बीतते जाएंगे, खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपकी वाणी में इतना रस है, सहज और सरल तरीके से समझाते हैं। लेकिन अंत में मैं चाहूंगा कि हमारे युवा पीढ़ी को, युवा सनातनियों को एक संदेश दें जिससे वो सदमार्ग पर चलें और राष्ट्र के निर्माण के कार्य में लग जाएं। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे प्रभु अपने माता पिता का चरण छूते थे और धर्म को मानते थे, अपने मर्यादित रूप में प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, तो सभी यो जितने लोग हैं, जो जितने भी बच्चे हैं, उनसे यही कहना है कि संस्कृति सनातन धर्म के अनुसार रहिए, सुबह उठिए, स्नान कीजिए, माता पिता का चरण छूइए और पूजा पाठ कीजिए, परमात्मा का भजन कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए, और धार्मिक वस्त्र को अधिक धारण कीजिए, और धार्मिक आस्था पे भी अधिक होनी चाहिए। अगर अचानक किसी सांसारिक वस्तु में और मन भटक जाएगा तो जीवन बर्बाद हो सकता है, इसीलिए जीवन दो दिन का मिला हुआ है, इसीलिए जीवन को मत भटकाइए। जीवन को भटकाने से जीवन अंधकार में बन जाता है, और मत भटकाइए। अगर भटकाना है तो हरि के चरणों में भटकाइए, जो हरि के चरणों विश्राम मिल जाए जी। पूज्य महाराज जी के अंतिम शब्द मुझे लगता है कि भारत के सभी युवाओं के लिए प्रेरित करने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि जीवन दो दिन का मिला हुआ है, और दो दिन के इस जीवन में सदमार्ग पर चलें, अच्छे कार्य में करें और हरि चर्चा में अपने जीवन को व्यतीत करें तो बहुत सुंदर होगा। पूज्य महाराज जी के चरणों में एक बार बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।